दोस्तों, हाल ही में नोरा अफ्तेही ने फेमिनिज्म पर रिएक्शन दिया है। अब उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है वो जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। मित्रों, डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही ने हाल ही में नारीवाद को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि उनके मुताबिक फेमिनिज्म ने समाज को बर्बाद करने का काम किया है। एक मशहूर एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही हमेशा ही अपने डांस और अपनी अदाओं की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन हाल ही में फेमिनिज्म पर अपने विवादित बयान के लिए सुर्खियों में आ गई हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू दिया है जहां उन्होंने फेमिनिज्म यानी नारीवाद पर खुलकर अपनी राय रखी है। नोरा फतेही ने नारीवाद पर बोलते हुए कहा है कि वो ऐसे विचारों में विश्वास नहीं करती हैं। यहां तक एक्ट्रेस ने तो नारीवाद को समाज बर्बाद करने वाला तक बता दिया है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें कई लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ उनका समर्थन भी कर रहे हैं। आइए हम नोरा फतेही के बयान और इसके पीछे के संभावित कारणों पर एक नजर डालते हैं। नोरा फतेही के बयान के पीछे जो भी कारण हो, यह महत्वपूर्ण है कि हम इस मुद्दे पर खुली और ईमानदार चर्चा करें। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि जहां पुरुष प्रदाता कमाने वाला और महिला पालन पोषण करने वाली होती है, लेकिन आज के समाज में यह सच नहीं माना जाता है। आजकल तो स्वतंत्र होने का मतलब शादी न करने और बच्चे पैदा न करने को समझा जा रहा है। हाँ, महिलाओं को काम पर जाना चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन एक हद तक उन्हें एक माँ एक पत्नी का रोल निभाने के लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आदमी को एक प्रोवाइडर, एक कमाने वाला, एक पति और पिता की भूमिका के लिए तैयार रहना चाहिए। नोरा ने तो ये तक कह दिया कि भले लोग इस सोच को एक पुरानी और पारंपरिक सोच कहें, लेकिन मेरे लिए एक सोचने का एक नॉर्मल तरीका है। फेमिनिज्म के दौर ने आदमियों का ब्रेन वॉश कर दिया है। वे तर्क देते हैं कि नोरा फतेही शायद कुछ विशिष्ट प्रकार के नारीवाद से असहमत हैं, जो महिलाओं को पुरुषों के खिलाफ खड़ा करते हैं। यह भी संभव है कि नोरा फतेही ने अपने बयान को ध्यान आकर्षित करने के लिए दिया हो। वह एक प्रसिद्ध हस्ती हैं और उनके बयान निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। वर्क फ्रंट की बात करें तो नोरा फतेही ने अब तक बॉलीवुड में कई टॉप सॉन्ग्स दिए हैं, जिसमें नाच मेरी रानी, दिलबर दिलबर, जालिम कोका कोला, डांस मेरी रानी शामिल हैं। फिल्मों की बात करें तो नोरा को हाल ही में कुणाल खेमू की फिल्म मड़गांव एक्सप्रेस में देखा गया है। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अहम किरदार निभाया है। फिल्म में उनके साथ दिव्येंदु शर्मा, प्रतीक गांधी और अविनाश तिवारी भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिल्म को दर्शकों की तरफ से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है।